अस्सलाम वालेकुम जानिश, तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, जिधर भी होंगे अपने हदसे पे होंगे। तो आज की जो वीडियो बहुत ही आउट क्लास और मज़ेदार होने वाली है, बिकॉज आज हम रिएक्ट करेंगे हारिस अवान की वीडियो पे। तो उसने अभी रिसेंटली ही एक वीडियो अपलोड की थी रेल स्नैक प्रैंक के नेम से, यानी कि उसकी वो वीडियो थी बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही मज़ेदार वो वीडियो थी। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब के साथ 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 आपने बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है। तो Let's start the video. दाढ़ी बड़ी हो गई है काफी दाढ़ी बड़ी हो गई है। वैसे भी दुकानें बंद हैं, सारे शॉप वगैरह बंद हैं, तो कहाँ भी क्या करेगा, कहाँ से करेगा ये। हार्ट अटैक आ गया बेचारे को। अच्छा, इसने नहीं डाला, किसी और ने डाला, ऊपर से आया, ऊपर से आया, दरख्त से उतरा। वो भी क्या ना 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 वो पागल है यार। बोला निकली है, अब पता चला उसको निकली पागल है। जैसे कि आपको पता है कि क्वारंटीन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ये तो है यार, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग यार ये फेस करना पड़ा लगा। मैं ऑप्टाफेक्स को भी ट्रेनिंग ऐप जिसमें आप इन्वेस्ट करके घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं। ऑप्टाफेक्स बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, इसके लिए आपको कुछ भी घंटे लगा के प्रोफेशनल टेक्निक्स सीखने की जरूरत नहीं है। आपको बस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद कुछ इजी स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपको साइनअप करना है बहुत इजी स्टेप्स में, उसके बाद अपने वॉलेट में कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट करनी है, आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज कर सकते हो। उसके बाद मास्टर रेटिंग में जाके मास्टर ट्रेडर्स को देखो, उनके स्टैट्स वगैरह देखो और बेस्ट वन चूज कर लो अपने लिए। स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करो और उनकी पोजीशंस ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद अमाउंट सेट करो जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप मेरा वॉलेट भी देख सकते हो। सो दैट्स इट, सुपर सिंपल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आप लोगों को 50% का बोनस मिलेगा। उसके अलावा गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखना और लाइक शेयर जरूर करना। सेम है। धागा बंधा हुआ इसने, धागा बंधा हुआ, धागे के साथ खींच रहा, डर गया बेचारा। जूती से भी मरा कभी साम। वीडियो बना रहे थे ला, आगे जान निकल जाए बच्चे की। आपकी नींद तो नहीं खराब हुई ना? नहीं, बाहर ना आते, कोई ना आते, ये तो मरा हुआ है। अच्छा, पार्क वगैरह हो ना, ये कुछ भी नहीं हुआ, सो जा आ गई थी। बच्चे की नींद खराब कर दी यार। ओए ओए, आसमान से आया। ओए ओए, यार जान भी जा सकती है, क्या पता नेक्स्ट टाइम रेल आ जाए। ओए
भाग रहे हैं। जैसे मैंने कहा था जान निकल जाती तो फिर यार कमाल हो गई यार। यहाँ पे जो है ये वीडियो खत्म होती है स्वैग के साथ। तो वेलकम बैक जानी, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो यार? मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा आउट क्लास और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है वीडियो यार। हमें हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, बिकॉज आपको जो गम है, जो आपको सैडनेस है, हर किसी से मिलती है। सो मेरा यही मानना है कि ऐसे यानी कि आपको भी यानी कि जो प्रैंक्स वगैरह देखने चाहिए, इससे ये होता है कि फेस में जो होती है वो स्माइल जो है वो आ जाती है खुद ब खुद। तो वैसे भी यार इस दौर में जो है स्माइल देने वाले बहुत ही कम लोग जो हैं वो पाए जाते हैं, वरना तो हर कोई ना कोई आपको जो है वो डिग्रेड करने में ही लगा रहता है। हर कोई ना कोई आपको जो है उदास पड़ी यानी कि हर किसी ना किसी तरीके से वो आपको उदास करना चाहता ही है। वो लड़का लेटा हुआ था मौली, तो उसने यहाँ पर जो है वो स्नेक रखा था, तो वो उसको यही फील हुआ कि यार भाई ये रियल है। वो उसको यूं फेंकता और जूती से मारने लग जाता। उसको क्या पता यार जूती से मारेगा, सांप भी जूती से मरता है। यानी कि वो काफ़ी आउट क्लास सीन था। दूसरा जब वो लड़का जा रहा होता है तो वो धागे से खींच रहा होता है, उसको ये लगता है सांप आ गया रास्ते में। सांप को देखकर भाग जाता है वो, फिर वो कहता है यार वापिस आ ये नकली है सारा। तो यार काफ़ी अच्छी यानी कि ये वीडियो से बनाई थी। तो जिस ऐप के मतलब उसने बात की थी वो लाजमी आपने ज्वाइन करनी है, ताकि आपकी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम अर्निंग हो सके। वैसे भी इस लॉकडाउन में बहुत लोग हैं जो जिनकी जॉब जा चुकी है, तो आपने यही कहा कि ये भी बात कहना चाहूँगा, आज मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, बिकॉज आज हमारे पाकिस्तान के इतने नामवर जिनका इतना मशहूर यानी कि वो पर्सन थे तारिक अजीज साहब, उनकी भी फौतगी हो चुकी है। तो उनकी मगफरत के लिए आपने लाजमी दुआ करनी है, अल्लाह उनके जो आखिरी जो उनका जो मंजिल है वो आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम जो है उनको वो अल्लाह प्रोवाइड करे। तो ये जो वीक है बहुत ही ज़्यादा उदास भरा ये वीक गया मेरे लिए खासतौर पर, बिकॉज मेरे काफ़ी जानने वाले हैं उनके यानी के रिलेटिव की भी जो है वो फौतगी हो चुकी थी, और मेरे खुद के यानी के गांव में काफ़ी ये बीमारी भी जो है वो फैल चुकी है। तो अल्लाह हम सबको इस बीमारी से भी जो है वो निजात फरमाए, और जितना हो सके यार आप खुश रहें, आबाद रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और जाने से पहले ये कहना चाहूँगा यार अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।